आज की कहानी है चार मूर्ख। अकबर स्वभाव से बहुत ही मौजी किस्म का बादशाह था। एक दिन शाम को वह घूमने जा रहा था। उसने सोचा आज कोई खास काम तो है नहीं, चलो शहर के चार मूर्खों को खोज निकाला जाए। उसने बीरबल को भी अपने साथ ले लिया। फिर दोनों चल पड़े मूर्खों की खोज में। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक आदमी मिला। वह घोड़े पर सवार था। उसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था। उसे देखकर बीरबल को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, अरे तू खुद घोड़े पर बैठा है, फिर तूने लकड़ियों का गट्ठर सिर पर क्यों उठा रखा है? उस आदमी ने कहा, हुजूर यह घोड़ा मुझे बहुत प्रिय है। मेरा वजन तो बेचारे घोड़े पर है ही, यदि मैं यह गट्ठर भी उसके ऊपर रख दूंगा तो उसे कितनी तकलीफ होगी, इसलिए गट्ठर तो मैंने अपने सिर पर ही रख लिया है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पना लीजिए, एक मूर्ख तो मिल गया। इसके बाद दोनों आगे बढ़े। अकबर ने कहा, ठीक है, अब भी तीन मूर्खों की तलाश करना बाकी है। वे काफी देर तक इधर उधर घूमते रहे। फिर कुछ कुछ अंधेरा हो गया, इसलिए दोनों महल की ओर लौट पड़े। रास्ते में उन्होंने एक आदमी को देखा, वह कुछ खोज रहा था। बीरबल ने उसके पास जाकर पूछा, अरे भाई तुम यहाँ क्या खोज रहे हो? उस आदमी ने कहा, कल मेरा एक सिक्का यहाँ गिर गया था, उसे खोज रहा हूँ। बीरबल ने कहा, कल गिरे हुए सिक्के को तुम आज क्यों खोज रहे हो? उसने कहा, कल मैं थका हुआ था, इसलिए आज खोजने आया हूँ। बीरबल ने पूछा, क्या यही तुम्हारा सिक्का गिरा था? उस आदमी ने कहा, नहीं यहाँ नहीं गिरा था, सामने की ओर गिरा था। यह सुनकर अकबर चौंका। उसने कहा, अरे तुम कैसे आदमी हो, तुम्हारा सिक्का सामने की ओर गिरा था और तुम उसे यहाँ खोज रहे हो? उस आदमी ने कहा, क्या करूं, उस ओर अंधेरा है, वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसलिए यहाँ उजाला है तो मैं यहाँ खोज रहा हूँ। यह सुनकर अकबर को हंसी आ गई। बीरबल ने कहा, जहां पना लीजिए, यह दूसरा मूर्ख भी मिल गया। दोनों आगे बढ़े। इसके बाद दोनों महल में पहुंचे। अकबर ने बीरबल से कहा, अब दो और मूर्खों का खोजना बाकी है, उन्हें हम कल खोजेंगे। बीरबल ने कहा, जहां पना उन्हें खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, दो मूर्ख तो यहां ही मिल जाएंगे। अकबर ने कहा, क्या कह रहे हो बीरबल, यहाँ दो मूर्ख कहाँ हैं? बीरबल ने कहा, हुजूर मैंने अकारण मूर्खों की खोज में अपना कीमती समय नष्ट कर दिया, इसलिए मैं ही तीसरा मूर्ख हूं। अकबर ने कहा, और चौथा? बीरबल ने कहा, हुजूर गुस्ताखी माफ हो, आप भी तो बेवजह मूर्खों को खोजने के लिए मेरे साथ भटकते रहे, अतः चौथा मूर्ख कौन है ये तो आप ही समझ लीजिए। मूर्खों की खोज में निकला अकबर स्वयं ही मूर्ख बन गया। धन्यवाद।